Hello friends, I am Nandesh Kumar Gupta, going to start gas turbine power plant which is based on Brayton cycle. This is module 1F and in this module I am going to start actual gas turbine cycle. In actual gas turbine cycle, when air flow through combustion chamber or regenerative heat exchanger, there is always a pressure drop, and this pressure drop can be minimized with the help of proper duct design, and this pressure loss cannot be eliminated. Isko eliminate nahi kiya ja sakta. This pressure drop, when air flows from a combustion chamber or regenerative heat exchanger, it can be minimized with the help of proper duct design, but it cannot be eliminated. So ye first point ho gaya ki pressure loss ko humko jab bhi hum iska calculation karenge एक्चुअल गैस टरबाइन साइकिल की एफिशिएंसीज का, तो उसमें प्रेशर लॉस इन द कम्बशन चैम्बर एंड रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर वी आर गोइंग टू कंसीडर, क्योंकि इट कैन नॉट बी इलिमिनेटेड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डक्ट डिजाइन. लाइक देखिए, यहाँ पे कम्बशन चैम्बर में प्रेशर लॉस हो रहा है 0.6 बार का, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द कंप्रेसर, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द कंबसन चैम्बर, और ये 0.6 बार का कंबसन चैम्बर में प्रेशर का लॉस हो रहा है. यहाँ पे 8 बार P2 है और 0.6 बार का लॉस होगा तो P4 टरबाइन के इनलेट पे जो हो जाएगा वो 7.4 हो जाएगा. इसी तरह से ये देखिए, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के इनलेट पे प्रेशर का लॉस हो रहा है, 1.4 बार पे एग्जिट हो रहा है, 0.4 बार का लॉस हो रहा है प्रेशर का, तो ये गोइंग टू कंसीडर. दूसरा, मैकेनिकल लॉसेस. अच्छा, मैकेनिकल लॉस में क्या करेंगे, कंप्रेसर किससे चलता है, कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय द टरबाइन. कंप्रेसर किससे चलता है, कंप्रेसर अपना पावर जो है, कंप्रेसर ड्राइव होने के लिए अपना पावर जो है टरबाइन से लेता है, और वो टरबाइन से अपना पावर कैसे लेगा, टरबाइन से कंप्रेसर तक जो पावर पहुंचता है वो विद द हेल्प ऑफ गियर, बियरिंग एंड कनेक्टिंग शाफ्ट. ये सारे बहुत सारे इक्विपमेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, लाइक गियर, बियरिंग, कनेक्टिंग शाफ्ट के थ्रू जो है पावर जो है वो टरबाइन से कंप्रेसर तक पहुंचता है. तो इसके बीच में जो गियर, बियरिंग्स, कनेक्टिंग शाफ्ट, इसके थ्रू जो लॉस होता है उसे बोला जाता है मैकेनिकल लॉसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए 100 किलोवाट की पावर रिक्वायरमेंट है, तो ये 100 किलोवाट का पावर जो है वो कहाँ से लेगा, टरबाइन से लेगा, टरबाइन से लेगा, और वो 100 किलोवाट पावर जो है टरबाइन से जो है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कनेक्टिंग शाफ्ट होगा, गियर्स होंगे, वियरिंग होंगे, उसके थ्रू ये पहुँचेगा. तो ये गियर्स, कनेक्टिंग शाफ्ट, वियरिंग्स में जो लॉसेस होंगे वो करीब दे रहा है एग्जाम्पल 10 किलोवाट का मैकेनिकल लॉस हो रहा है. तो यानी कि ये टरबाइन से 110 किलोवाट पावर लेगा, तो कंप्रेसर पे हमारा 100 किलोवाट का पावर पहुंचेगा. तो इस तरह से WC टरबाइन कितना हो जाएगा, WC टरबाइन जो हो जाएगा वो WC कंप्रेसर प्लस मैकेनिकल लॉस. तो यानी कि मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, WC कंप्रेसर को जितना चाहिए, लेकिन कंप्रेसर एक्चुअली कितना लेगा, WC टरबाइन. तो W नेट कितना हो जाएगा, W नेट हो जाएगा W टरबाइन जितना ये प्रोड्यूस करेगा माइनस कंप्रेसर ने जितना पावर लिया. तो कंप्रेसर ने कितना पावर लिया, WC टरबाइन पावर लिया, तो माइनस WC टरबाइन, जिससे WC टरबाइन को लिख सकते हो W टरबाइन माइनस WC अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी. तो W नेट हो जाएगा तो आपका W टरबाइन माइनस WC अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी. यानी कि अगर क्वेश्चंस में मैकेनिकल इफिशियंसी दिया है तो याद रखिए, कंप्रेसर जितना पावर लेगा उसको उस मैकेनिकल इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे और उसको W टरबाइन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जो है वो हमको W नेट मिलेगा. ये दिमाग में याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय इतना कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे. आप सीधे दिमाग में रखिए कि अगर मैकेनिकल इफिशियंसी दिया है तो हमको W नेट चाहिए,
नेट पावर निकालना है तो W टरबाइन में से हमको डब्ल्यू सी अपान मैकेनिकल इफिशियंसी ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय टरबाइन एंड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम टरबाइन टू कंप्रेसर देयर आर लॉसेस इन द इंटरमीडिएट गियर बियरिंग एंड कनेक्टिंग शाफ्ट नोन एज मैकेनिकल लॉसेस। तो ये हो गया मैकेनिकल लॉसेस। अच्छा एक चीज़ हम भी ये कंसीडर करते हैं कि जो है सी पी सी बी गामा वैल्यूज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ये सब हम मानते हैं कि ये कांस्टेंट रहते हैं लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं। सी पी सी बी और गामा वैल्यू चेंज होते हैं। लाइक देखिए कंप्रेशर इस वाले एरिया में जब तक आइसोट्रॉपिक कंप्रेशन उसके बाद ये कंबसन चैम्बर में जाएगा तो यहाँ पे गामा जो है एयर कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि आइसोट्रॉपिक कंप्रेशन ऑफ एयर हो रहा है तो यहाँ गामा एयर का लेंगे। लेकिन कंबसन चैम्बर में जो है ओपन साइकिल ब्रेटन साइकिल में कंबसन चैम्बर में फ्यूल जो है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो गैस बन जाता है। तो वहाँ पे हम यहाँ पे जब टरबाइन के एरिया में कंसीडर करेंगे आइसेंट्रोपिक में तो वहाँ गामा गैस और सीपी गैस लिया जाएगा। तो ये चीज हो गया सी पी सी बी एंड गामा वैल्यूज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। जबकि हमने ये एजम्पशन लिया था कि सी पी सी बी एंड गामा वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर लेकिन ये यहाँ पे चेंज होती हैं टेम्परेचर के साथ। सी पी सी बी एंड गामा वैल्यूज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। और यहाँ पे हम कंप्रेशन वाले एरिया में एयर लेंगे लेकिन वो कंबशन चैम्बर में चूंकि फ्यूल जो है वो एयर से मिक्स हो जाता है तो वो गैस बन गया तो गैस गामा गैस सीपी गैस कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे टरबाइन वाले एरिया में। अच्छा दूसरा पॉइंट कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस जो होता है वो डज आर नॉट फ्रिक्शनलेस। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस फ्रिक्शनलेस नहीं होता है तो वहाँ भी हमको आइसेंट्रॉपिक इफिश देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन एंट्रॉपी। तो वहाँ पे हमको आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेशर आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन को कंसीडर करना पड़ेगा इस फ्रिक्शन को कंसीडर करने के लिए। टरबाइन और कंप्रेशर में फ्रिक्शन को कंसीडर करने के लिए हमको आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेशर एंड आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और इन एक्चुअल वर्किंग देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस। हम ऐसा मान रहे थे कि आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी होता वहाँ पे लॉस नहीं होता है लेकिन एक्चुअल वर्किंग में लॉस कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस में भी कुछ लॉस होता है। अच्छा कंबसन चैम्बर में भी लॉस होता है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन इन द कंबशन चैम्बर। तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कंबशन चैम्बर में भी लॉस होता है तो उसको कंसीडर करने के लिए हमको कंबशन चैम्बर की इफिशियंसीज को कंसीडर करते हैं। जैसे वहाँ पे करते थे कि कैलोरी वो इस क्या बोलते हैं कि इस जो हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जब लिख रहे थे वहाँ पे पीछे कंबसन चैम्बर के लिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखी थी हमने, याद होगा आपको कि ये मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इनटू कंबसन चैम्बर की इफिशियंसी और प्लस उसके बाद मास फ्लो रेट ऑफ एयर फ्यूल सी पी एयर टी थ्री माइनस टी। तो यहाँ पे हमने इनकम्प्लीट कंबसन के लिए ये आइसन यहाँ पे कंबसन चैम्बर की इफिशियंसी भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन इन द कंबसन चैम्बर। तो यहाँ पे एक देखिए मैंने सारी इफिशियंसीज को एक साथ दिखाया कि कंप्रेशन के अंदर कंप्रेशर के अंदर हमको आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा, टरबाइन के अंदर हमको आइसेंट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ से टरबाइन से कंप्रेशर को पावर जाएगी उसके लिए हमको मैकेनिकल इफिशियंसी कंसीडर करना पड़ेगा और इस मैकेनिकल इफिशियंसी को कंसीडर करने के बाद जो है जो पावर यहाँ से जाएगा वो कितना हो जाएगा डब्लू नेट हो जाएगा। ये जो पावर निकलेगा यहाँ से वो हो जाएगा डब्लू नेट हो जाएगा। अच्छा कंबसन चैम्बर की भी इफिशियंसी हमको कंसीडर करनी पड़ेगी, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस हमको कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद देखिए जनरेटर की भी इफिशियंसी कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से टरबाइन से डब्लू नेट निकला लेकिन जनरेटर या अल्टरनेटर केवल कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है पी मेगावाट। तो यानी कि जनरेटर की इफिशियंसी हो जाएगी पी मेगावाट अपॉन ये डब्लू नेट। डब्लू नेट क्या है ये डब्लू नेट वही है पीछे डब्लू नेट ये वही है डब्लू टरबाइन माइनस डब्लू सी बाई मैकेनिकल
इफिशियंसी, ये वही है। तो इस तरह से सारी इफिशियंसीज को कंसीडर करना है। हम लोग अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ कवर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज क्या है इस गैस टर्बाइन्स पावर प्लांट का, एडवांटेज क्या है। तो बहुत सारा एडवांटेज है, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि ईएस के ऑब्जेक्टिव में कभी कभी स्टेटमेंट्स में दे देते हैं और वो स्टेटमेंट्स में फिर हम लोगों को पता नहीं होता, तो हम लोग क्वेश्चंस को टिक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस टर्बाइन प्लांट का लिख दिया है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वार्म अप टाइम का बात करें, वार्म अप टाइम क्या होता है, जैसे एक वार्म अप टाइम वो होता है कि वार्म अप टाइम होता है जैसे पूरा प्लांट बंद है, अब हमको उसको स्टार्ट करना है, तो कोल्ड कंडीशन से लेके वो हॉट कंडीशन तक पूरा ले जाने का टाइम जो होता है वही है वार्म अप टाइम। तो जैसे देखिए, वंस द टर्बाइन इज ब्रॉट अप टू द रेटेड स्पीड बाय स्टार्टिंग मोटर, यहाँ पे हम लोग जब टरबाइन को चलाते हैं तो एक मोटर से कपल कर देते हैं और उस मोटर से फिर उसको 3000 RPM तक रेटेड स्पीड तक ले जाते हैं, और उसके बाद फ्यूल इज इग्नाइटेड और फिर कम्बसन चैम्बर में फ्यूल इग्नाइट करते हैं, और उसके बाद जो ये एयर है बनता है, जो गैस टर्बाइन विल एक्सिलरेट फ्रॉम द कोल्ड स्टार्ट टू द फुल लोड विदाउट वार्म अप। ये वार्म अप नहीं करते हैं, मतलब जैसे स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है कि बहुत आराम से हीटिंग की जाती है उस पूरे सिस्टम की, धीरे 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 उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे वार्म अप टाइम नहीं लगता, तुरंत कोल्ड स्टार्ट से मतलब सीधे उसमें गैस टरबाइन में एयर को घुसा इंटर करा देते हैं। तो ये वार्म अप टाइम बहुत कम होता है, बस ये समझिए कि वंस द टर्बाइन इज ब्रॉट अप टू द रेटेड स्पीड पे कैसे लाते हैं, बाई स्टार्टिंग मोटर, एक स्टार्टिंग मोटर से कपल करके रेटेड स्पीड पे ले आते हैं, फिर उसको डिकपल करके फ्यूल को कम्बशन चैम्बर में इग्नाइट करा देते हैं और उसके बाद उसको इंटर करा देते हैं गैस टरबाइन में, ठीक है। गैस टरबाइन विल एक्सिलरेट फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट टू फुल लोड विदाउट एनी वार्म अप टाइम। अच्छा, लो वेट एंड साइज, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं कि इसीलिए इसका यूज होता है तुम्हारा एयरक्राफ्ट में। द वेट ऑफ द प्लांट पर किलोवाट आउटपुट इज लो, इसका वेट ऑफ द प्लांट पर किलोवाट आउटपुट इज लो, जिसके कारण हुई चीज ए फेवरेबल फीचर इन ऑल व्हीकल्स लैंड सी एयर, ये सारे व्हीकल्स में इसीलिए यूज होता है कि इसका वेट जो होता है वो काफ़ी लो होता है। अच्छा, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाई ऑक्टेन गैसोलीन से हैवी डीजल ऑयल या फिर पल्वराइज कोल कैन बी यूज, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, फ्लोर स्पेस की बात करें तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, इसका साइज भी कम होता है, द फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन इज ऑल्सो लेस, वो भी लेस होगा। अच्छा, स्टार्टअप एंड शट डाउन, स्टार्टअप एंड शट डाउन, एक गैस टर्बाइन प्लांट कैन बी स्टार्टेड अप एज वेल एज शट डाउन क्विकली लाइक अ डीजल इंजन, डीजल इंजन की तरह ही यह है, ये आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। दस इसका यूज इट इज इमीनियंटली सुटेबल टू मीक द पीक लोड डिमांड ऑफ ए सर्टेन रीजन, जैसे हमारा क्या है, ये स्टीम पावर प्लांट जो है ये बेस लोड पावर प्लांट है, जबकि पीक लोड पावर प्लांट के लिए, पीक लोडिंग के लिए हम लोग गैस टरबाइन पावर प्लांट का यूज कर सकते हैं, जब भी हमको डिमांड बढ़ा तुरंत स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप का ये है, एक गैस टरबाइन प्लांट कैन बी स्टार्टेड अप एज वेल एज शट डाउन क्विकली लाइक अ डीजल इंजन, दस इट इज इन्वीनियंटली सुटेबल टू मीक पीक लोड डिमांड ऑफ ए सर्टेन रीजन। अच्छा, इफिशियंसी की भी बात करें, अगर हाई इफिशियंसी, अगर हम इसके ब्लेड की कूलिंग कर सकें, सुटेबल ब्लेड कूलिंग परमिट्स द यूज ऑफ हाई गैस टरबाइन इनलेट टेम्परेचर लाइक 1300 डिग्री सेल्सियस के करीब ले जा सकते हैं, एल्डिंग ए हाई थर्मल इफिशियंसी ऑन द ऑर्डर ऑफ 37%। तो हमको अगर बढ़िया ब्लेड्स की गैस टरबाइन ब्लेड्स की कूलिंग अगर अच्छे से की गई है तो हम इसको गैस टरबाइन इनलेट टेम्परेचर 1300 के करीब ले जा सकते हैं, और जिससे अच्छी थर्मल इफिशियंसी जो होगी वो बढ़िया होगी ऑन द ऑर्डर ऑफ 37%। जबकि बात करें अगर ओवरऑल इफिशियंसी या फिर स्टीम पावर प्लांट, तो स्टीम पावर प्लांट की ओवरऑल इफिशियंसी 32-33 इससे ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है स्टीम पावर प्लांट की इफिशियंसी। अच्छा, कंबाइंड साइकिल मोड,
ये याद रखिए कि गैस टरबाइन प्लांट कैन बी यूज इन कंजक्शन विद ए बॉटमिंग स्टीम प्लांट पावर प्लांट इन द कंबाइंड साइकिल मेड टू यील्ड एंड ओवरऑल फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी ऑफ 55%। नॉर्मली क्या है, इंडिया में भी अभी सिंपल कहीं गैस टरबाइन पावर प्लांट यूज नहीं होता, इसको हमेशा स्टीम पावर प्लांट के साथ कपल कर देते हैं। बॉटम ऊपर गैस टरबाइन पावर प्लांट, नीचे स्टीम पावर प्लांट, तो उसको कपल करके ही चलाते हैं। तो ऐसा कपलिंग कंबाइंड साइकिल मोड में जो चलाते हैं तो उस समय इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी इफिशियंसी 55% हो जाती है। तो इसलिए इसे हमेशा कपल करके ही चलाते हैं कंबाइंड साइकिल मोड में। ए गैस टरबाइन प्लांट कैन बी यूज इन कंजक्शन विद ए बॉटमिंग स्टीम प्लांट, ऊपर गैस टरबाइन नीचे, तो इसे कपल करके कंबाइंड साइकिल मोड में ही चलाते हैं ये, तो उस समय इसकी इफ ओवरऑल फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है 55% के करीब हो जाता है। अच्छा, कूलिंग वाटर की बात करें तो कूलिंग वाटर का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग वाटर इज नॉट मच। कूलिंग वाटर का रिक्वायरमेंट बियरिंग कूलिंग इन सब में ही होगा, जहाँ पे बियरिंग होगा लगा होगा उसको कूल करने के लिए बहुत कम होता है। तो इसमें वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए गैस टर्बाइन प्लांट। तो ये वाटर कूलिंग वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कूलिंग वाटर कम भी है कहीं पे तो आप गैस टरबाइन प्लांट लगा सकते हैं। ऐश डिस्पोजल की बात करें तो स्टीम पावर प्लांट की ये मेन प्रॉब्लम है कि हम ऐश कहाँ डिस्पोजल जो प्रॉब्लम है वो सीरियस प्रॉब्लम है। इन थर्मल पावर प्लांट ऐश डिस्पोजल फ्रॉम द साइट पोजेस अ सीरियस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट इन गैस टरबाइन पावर प्लांट। अच्छा भाई, ट्रांसमिशन लॉस, देखिए ट्रांसमिशन लॉस भी इसमें कम होता है, इस पर जहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे ये पावर प्लांट लगा देते हैं, तो इसलिए ट्रांसमिशन लॉस भी कम होता है। इट कैन बी लोकेटेड एट द लोड सेंटर इटसेल्फ, देयरफॉर द ट्रांसमिशन लॉस इज मिनिमल इन सच अ प्लांट। तो जहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट होती है वहीं आस पास में ही इसका गैस टरबाइन प्लांट लगाते हैं, जिससे ट्रांसमिशन लॉस भी कम होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज मच लेस कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट, ओनली फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड। और ये प्लांट जो ये पूरा प्लांट जो है पूरा असेंबल्ड ही आता है फैक्ट्री से, द प्लांट कम्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द साइट ऑलमोस्ट फुल्ली असेंबल्ड। अच्छा, स्कोप ऑफ को जनरेशन, हाँ गैस टर्बाइन के एग्जॉस्ट को हम यूज कर सकते हैं प्रोसेस हीटिंग में फॉर वेरियस यूजर्स, तो इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ कोजनरेशन। जो एयर निकल कर आती है, गैस टरबाइन एग्जॉस्ट कैन बी यूज फॉर प्रोसेस हीटिंग ऑफ वेरियस यूज, तो उस गैस टरबाइन एग्जॉस्ट से जो एयर आ रही है उसका हम यूज कर सकते हैं वेरियस प्रोसेस हीटिंग में, ये इसी चीज को बोलते हैं स्कोप ऑफ कोजनरेशन। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ कोजनरेशन भी है। अच्छा, लो कैपिटल कॉस्ट, गैस टरबाइन प्लांट्स आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइजेस, द कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट इज कंसिडरेबली लेस देन द थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में इसमें कैपिटल कॉस्ट भी थोड़ा कम लगती है। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेज हैं दो तीन, वो हम पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ये है, इसकी पार्ट लोड इफिशियंसी लो होती है, ये पार्ट लोड पे अगर हम इसकी चलाएंगे तो इसकी इफिशियंसी लो होती है, पार्ट लोड इफिशियंसी इज लो। और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, द इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन द एम्बियंट कंडीशन लाइक एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट प्रेशर। और देखिए, क्योंकि हम एयर ले रहे हैं एटमॉस्फियर से, तो इसमें हाई एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हमको एक हाई क्वालिटी फिल्टर लगाना पड़ता है, एयर फिल्टर। अगर नहीं लगाएंगे तो डस्ट जो है वो एंटर करेगा और टरबाइन ब्लेड्स को और जो है इरोड और कुरोड करेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे हाई क्वालिटी फिल्टर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि हम एयर ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से। तो वहाँ पे लिखा है द एयर एंड गैस फिल्टर्स हैव टू बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी सो दैट नो डस्ट इंटर्स टू इरोड एंड कुरोड टरबाइन ब्लेड्स। अच्छा, हाई एयर रेट रिक्वायर होता है टू लिमिट द मैक्सिमम गैस टरबाइन इनलेट टेम्परेचर। अगर एक्चुअली क्या है कि एयर रेट कम होने से एक तरह एयर क्या किस तरह कूलिंग फ्लूड का काम करता है गैस टरबाइन ब्लेड के लिए, अगर उसका रेट ही कम हो जाएगा तो फिर वहाँ पे जो है वो दिक्कत होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा गैस टरबाइन ब्लेड का। तो हाई एयर रेट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द मैक्सिमम गैस टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द एग्जॉस्ट लॉसेस आर हाई अनलेस द वेस्ट हीट इन इट इज यूटिलाइज्ड। और ये जो इसमें कंप्रेसर वर्क जो होता है क्वाइट लार्ज होता है, तो वो इफिशियंसी ऑफ द प्लांट
उसी पे डिपेंड करता है कि कंप्रेसर कितना पावर ले रहा है। और ये हाईली जो ये पूरा प्लांट है हाईली सेंसिटिव टू द कंपोनेंट इफिशियंसी लाइक कंप्रेसर इफिशियंसी, टरबाइन इफिशियंसी, ये सब। लेकिन मेन है कि इसमें हाई क्वालिटी फिल्टर का यूज होता है, पार्ट लोड इफिशियंसी कम है और इसकी इफिशियंसी जो है वो एम्बिएंट कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये मैंने लिख दिया है कुछ डिसएडवांटेजेस। अब दैट्स ऑल, ये एंड हो गया हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, गैस टरबाइन पावर प्लांट के बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो गैस टरबाइन पावर प्लांट के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टीम पावर प्लांट लाइव व्हिच इज बेस्ड ऑन रैंकाइन साइकिल। थैंक यू। आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई हूँ गैस टरबाइन पावर प्लांट में, अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे जो पूरे बेस्ड हों, और वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।